हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएसके एजुकेटर। तो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि शॉर्ट ट्रिक के द्वारा, जैसे क्वेश्चन आप लोगों के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट, आइए हम लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं शॉर्टकट ट्रिक के द्वारा। तो देखिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कह रहा है एक्स अपान टू और वाई अपान थ्री और जेड अपान थ्री सभी क्या है, आपस में बराबर हैं, तो इसका हमें वैल्यू निकालनी है। इसका किसका, एक्स प्लस वाई माइनस जेड अपान एक्स माइनस वाई प्लस जेड। तो स्टूडेंट, आपका ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो बच्चे इसमें फंस जाते हैं, क्या करें, अब एक्स की गुणा करेंगे, ग्राफ मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालेंगे। कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, आपको केवल और केवल जो एक्स के नीचे है उसको वहां पे रख देना है, यानी टू है एक्स के नीचे, टू रख दिए, यहाँ पे थ्री है तो थ्री रख दिए, और माइनस है तो माइनस होगा और फाइव हो गया। नीचे भी वही करना है, दो रख दिए, माइनस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो प्लस हो गया, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, फाइव आएगा, और माइनस है, नीचे से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में वन और प्लस फाइव, यानी कि ऊपर आपका कितना हो गया, जीरो हो गया। तो स्टूडेंट आपको आंसर पता चल गया होगा, आंसर क्या होगा, जीरो होगा, यानी कि इसका जो ऑप्शन होता है ए, यानी कि आंसर इसका क्या हो गया, ए हो गया। तो स्टूडेंट, ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके कमेंट में जवाब दें। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जवाब देंगे तो हमें लगेगा कि आपको समझ में आ गया है, अगर नहीं जवाब देंगे तो हमें लगेगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। तो स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो,